अरे बहू तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? ये ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है। और कामिल बेटा तुम कैसे हो? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? बस हमें पसलियों में थोड़ी दर्द है बेटा। बेटा लेकिन ये हुआ कैसे सब? पता नहीं अम्मी, मोड़ काटते हुए गाड़ी सामने आ गई। वो तो शुक्र है मैंने ब्रेक लगा दी, ना ना जाने क्या हो जाना। आपकी दुआएं अम्मी बस। शुक्र अल्लाह का, मेरे दिल में तो हजार वसवसे आ रहे थे बेटा। हजार बार समझाया कि गाड़ी संभल कर रास्ता चलाया करो, लेकिन तुम लोग सुनती मेरे कब हो? अगर तुम्हें खुदा ना करे ऐसा कुछ हो जाता तो ला पैसे तो मैं तुम्हारा सदका उतारूं। ला अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज व अमान में रखे या अल्लाह। अरे बच्चे को कुछ न करना परवरदिगार, रहम करना अपना। जब बाहर जाओ तो किसी फकीर को दे देना। अम्मी रूमी भाभी और हानिया भी तो हैं, उनके सर से भी सदका उतार दें। हाँ कर तो रही हूँ। अल्लाह तुम दोनों को अपने हिफ्ज व अमान में रखे। बेटा ले किसी फकीर को दे देना। अम्मी मैं तो कह रही हूँ भाई के ऊपर से भी नजर उतरवा दें। याद है ना पिछली बार भी कितना बड़ा हादसा हुआ था। जोया बकवास बंद करो, अपने कमरे में जाओ। अब मेरी क्या गलती है, खामखा हर बात में मुझे डांटते ही रहते हैं। मैं तुम लोगों के लिए दिवाली वाला भाई भाई वो बाहर पुलिस आई है। पुलिस? भाई ये इरशाद साहब। इरशाद, सब इंस्पेक्टर इरशाद। और ये है कामिल अहमद। भाई ये एक्सीडेंट के बारे में पूछना है। अच्छा, वो मामूली सा एक्सीडेंट था, कोई खास नुकसान नहीं हुआ। और वैसे भी दोनों पार्टियों में मामला सुलझ गया है, पुलिस की जरूरत नहीं है। हाथ से पुलिस की जरूरत को जन्म दे ही देते हैं कामिल साहब। खैर जान के खुशी हुई कि आप सेफ हैं, जानी नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी कौन चला रहा था? जी मैं चला रहा था, नॉर्मल स्पीड थी और गलती दूसरे एंड पे थी, मेरी नहीं थी। और आपके साथ गाड़ी में कौन था? मेरी वाइफ थी। और जब मैं आपको कह रहा हूँ कि मामला सुलझ गया है तो आप इतने सवालात क्यों कर रहे हैं? भाई ये सवालात ही शिकवा कर रहे हैं कि आपने उस टाइम पे इनका ख्याल क्यों नहीं रखा, क्यों इरशाद साहब? जबकि मेरा ख्याल तो यह है कि इस गाड़ी का कहीं पहले भी एक्सीडेंट हो चुका है। एक्सीडेंट? नहीं कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। आज से ठीक 6 महीने पहले रात के वक्त ट्रेड रोड पे होने वाला एक्सीडेंट। नहीं नहीं मैं किसी और एक्सीडेंट के बारे में नहीं जानता, आपको गलत फहमी हुई है। इरशाद साहब मेरा ख्याल में अब आपको चलना चाहिए, रात काफी हो गई है। आप तो बुरा मान गए शायद। खैर हादसा हो या जुर्म, कानून से ज्यादा देर तक बच नहीं सकते। चलता हूं। भाई मेरा ख्याल में उस एक्सीडेंट की बात कर रहे थे आपके एम्प्लॉई से हुआ था, याद है आपको? नहीं नहीं अंजुम, ये बस पुलिस का पैसे बटोरने का तरीका है। शरीफ इंसान को पकड़ो, उस पर केस डाल, छोड़ो अंदर आओ। क्या हुआ बेटा, क्यों इतनी देर लगा दी? पुलिस वाले क्या कह रहे थे? कुछ नहीं अम्मी, बस वो एक्सीडेंट के बारे में पूछ रहे थे। असल मकसद तो सिर्फ अपनी जेब भरना होता है। अरे तो कुछ दे दुला कर फारिग करते ना, कमबख्त जान से जाप टलता नहीं और ये पैसे बटोरने आ जाते। तो आपने उनसे बात नहीं की? बताया नहीं आपने कि गलती हमारी नहीं थी, जिनसे एक्सीडेंट हुआ था उनसे जाके पूछे यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे? मैंने सब समझा दिया उनको, तुम परेशान ना हो, उनका तो काम है तंग करना। बात खत्म हो चुकी है भाभी, आप फिक्र ना करें। और अम्मी भूख से जान जा रही है, कुछ खाने ही खिला दे। मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं बहू तुम आराम करो, मैं लाती हूँ।
अरे साहब ये तो वही गाड़ी है ना जिसका पहले एक्सीडेंट हुआ था, बड़ी मेहनत लगी थी सर ठीक करने में। नहीं शुक्रिया हो गया। कामिल आपका एक्सीडेंट हुआ और आपने मुझे बताया भी नहीं, और कब हुआ? नहीं एक्सीडेंट नहीं कुछ नहीं ऐसे ही बस। कमाल करता आप, और अब इतना परेशान क्यों है? नहीं परेशान क्या होना है। कामिल खाना नहीं खाओगे? खा लिया, सूप ही लिया मैंने। पेन तो नहीं हो रही? मेडिसिन ली है? जी ठीक हूँ। वैसे एथलीट होने का इतना फायदा है, इंसान हर किस्म की चोट बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन दिल पे लगी चोट एथलीट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप बहुत देखकर ड्राइव किया कर, बिल्कुल भी ख्याल से गाड़ी नहीं चलाते हैं। अच्छा बेगम साहिबा, और कोई हुआ? आज जो कुछ हुआ मैं बहुत डर गई हूँ उससे। बाबा को तो खो चुकी हूँ मैं, लेकिन आपको रहानिया का खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वैसे अगर तुम्हें मेरी इतनी परवाह होती ना तो आज बेबी वाली बात पे इतना ना झगड़ती मुझसे। बात ही ऐसी की थी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हानिया थोड़ी बड़ी हो जाए, उसके बाद हम अपनी औलाद का सोचेंगे। रूमी मेरी जान, घर में सब है ना हानिया को संभालने के लिए, तुम उसकी फिक्र ना करो। तुम ये तो सोचो कि हमारे घर में कितनी जरूरत है खुशियों की। तुम देखना हमारा बेबी बहुत खुशियां लेके आएगा। पुलिस को कैसे मालूम है कि हादसा तुम्हारी गाड़ी से हुआ था? पता नहीं, लगता है आज के हादसे की वजह से गाड़ी पुलिस की नजरों में आ गई है, इसलिए तो वो एसपी इतने मशकूक अंदाज में सवाल कर रहा था मुझसे। फौरन गाड़ी भेजकर जांच छुड़ा। नहीं मम्मी, इस तरह तो पुलिस का शक और यकीन में बदल जाएगा। तुम तो कह रहे थे तुमने पुलिस को टाल दिया। टाल तो दिया है, मुझे डर है हकीकत सामने ना आ जाए। कामिल अच्छी बात मुंह से निकालो, और फिर तुमने हादसा जानबूझकर तो नहीं किया ना, और सबूत भी नहीं छोड़ा, हादसा था हो गया हो क्या? आहिस्ता बोलिए अम्मी, कोई सुन लेगा। अम्मी ये जोया को तो समझाए, क्या जरूरत थी हादसे वाली बात मुंह से निकालने की? बेटा इसीलिए तो कहती हूँ अच्छा रिश्ता है तो उसे रवाना कर दो। अम्मी प्लीज आप भी ये बात मुंह से ना निकालिए। रूमी को पता चल गया कि रोहान की बीवी मेरे हाथों मारी गई थी तो वो जीना मुश्किल कर देगी। अरे मैं पागल हूँ क्या जो उसे भनक भी पड़ने दूँ? इसीलिए तो कहती हूँ अपनी औलाद पैदा करो ताकि रूमी का दिलो दिमाग इन्हीं बच्चों में लगा रहे। और हानिया? अरे जब अपने बच्चे उसकी गोद में होंगे तो हानिया से तवज्जो खुद ब खुद हट जाएगी, फिर हानिया से जान छुड़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझे? मैंने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है। क्या मेरे लिए लड़की? तो क्या कोई और मखलूक देख ली है तुमने? अम्मी अंजुम भाई के लिए कोई एलियन ढूंढ ले। क्यों भाई? जोया मेरा मतलब है ये आपको मेरी शादी का ख्याल अचानक से कहां से आ गया? अरे तो क्या सारी उम्र यूं ही कुंवारे बैठे रहोगे? कामिल के बाद अब तुम्हारा नंबर है, कोई अच्छी सी लड़की मिली तो बस चट मंगनी पट गया। अम्मी ये अच्छी जबरदस्ती है, ना मुझसे किसी ने कुछ पूछा ना मेरी रजामंदी ली, बस हुक्म सुना दिया। बात सुनो, इस घर में मेरा हुक्म चलता है, मेरा। अम्मी अंजुम के कहने का मतलब है कम से कम उसकी पसंद तो पूछ ले। अंजुम की पसंद पूछने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आंटी तो पहले ही तय कर चुकी है इस घर की अगली बहू मिडिल क्लास और आम सी फैमिली से। क्या
ये मैं क्या सुन रहा हूँ अम्मी, क्या कह रही भाभी? अम्मी ये तो गलत बात, भाई ने अपने लिए कोई कोकाफ की परी ढूंढ रखी होगी। अरे कोई परीवरी नहीं चाहिए, परियां घरों में आग लगाकर अपने परों से हवा देती हैं। एक परी लाकर भुगत रही हूं, अब और दूसरी की सकल नहीं है। अम्मी आपको आखिर जल्दी किस बात की है, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती आप? अरे किस चीज का इंतजार करूं, तुम्हारे बूढ़े होने का या अपने 100 साल पूरे होने का? तुम्हारे बाद जोया का नंबर है, उसकी भी उम्र हो रही है। तो फिर आप इसी के हाथ पीले कर देना, इम्तिहानों से भी फ्री होने वाली है वो, मेरे क्यों पीछे पड़ी हुई है? अंजुम भाई अब खामखा मुझे अपने चक्रों में मत फंसाएं, मुझे शादी नहीं करनी है अभी। लो तुम्हारी देखा देखी ये भी बोलने लगी, कान खोलकर सुन लो, अगर अंजुम के लिए जल्दी कोई अच्छी लड़की ना मिली ना तो तुम्हें पहले रवाना कर दूंगी बस। अम्मी यार क्या जबरदस्ती है, अंजुम भाई आई हेट यू। अच्छा अम्मी मैं तो ऑफिस जा रहा हूं। सब अकेला छोड़कर मुझे ये कुटनी जी भरकर मुझसे बदले ले रही है, देखती हूँ कब तक इसकी दाल गलती है। कैसी है रोमी? भाई मैं आपको बता नहीं सकती, आपकी आवाज सुन के मुझे कितनी खुशी मिल रही है। लेकिन तुम्हारी आवाज में तो घुला हुआ है, क्या बात है बताओ। नहीं मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अम्मी कैसी है भाई? हाँ खैरियत से है, बस अपने में ही खोई रहती है। रूमी रूमी बाबा के जाने के बाद घर बहुत सोना हो गया है, वो तो शुक्र है कि निदा और समीर की वजह से घर में सबका दिल लगा रहता, वरना वरना न जाने क्या हो जाता। मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है, अम्मी ने तो मुझसे यूं मुंह मोड़ लिया जैसे मेरा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं। अम्मी को यह सदमा बुलाने के लिए थोड़ा सा वक्त दे दे, मैं भी इसीलिए उन पे ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहता कि खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो गया तो। आप अम्मी से कुछ मत कहना भाई, अगर मुझसे दूर रहने में उन्हें सुकून मिलता है तो मैं उनसे नहीं मिलूंगी, और जिस दिन वो मुझे अपने दिल से माफ कर देंगी मैं दौड़ी चली आऊंगी। अच्छा चल अब अपना ख्याल रखा, बाद में बात करता हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, आप दोनों के 3 प्रोजेक्ट से कंपनी को 300 गुना प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। इट्स अ रियली ह्यूज मोमेंट फॉर अस। थैंक यू इम्तियाज साहब, आपके मुंह से तारीफ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना कंपनी ने तो मुझे आउट कर दिया था। हम ये बिजनेस है, और बकौल रोहान बिजनेस में जज्बात नहीं अक्ल और समझ बूझ का इम्तहान होता है। आई नो रोहान वॉज राइट, समझ आ चुकी है मुझे अब ये बात। गुड एंड कीप इट अप। मुबारक हो महम, इट्स अ ग्रेट डे फॉर अस। तुमको भी बहुत मुबारक हो, तुमने खुद को प्रूव कर दिया। मैंने नहीं, साबित तो आपने खुद को किए, पर हाँ थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी। सच ही तो कह रही हूँ, आप वहाँ हानियों को अपनी गोद में लिए बैठी हैं, और यहाँ मेरे बच्चे अपनी नानी की गोद को तरस रहे हैं। अरे बेटा खून वही भाए जो अपना कहला है, उस पराई कोक चली को तो मैं ऊपरे दिल से लाड प्यार से पाल रही हूँ, समझ लो नाटक है गोद में लेने का। अरे एक छत के तले तो जानवर से भी मोहब्बत हो जाए, ये तो इंसान है, बस रूमी की जड़े काटने के लिए सब कुछ कर रही हूँ, और तुम्हारी खातिर भी। अभी आपके मन तक आप ही जाने, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं तो आपका चेहरा देखने के लिए तरस गई हूँ।
मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन भी आएंगे कि मैं आपको देख भी नहीं सकूंगी। कुछ और इंतजार कर लो बेटा, अंजुम का रिश्ता तय होते ही नायला को दावत देने आऊंगी। दिल तो नहीं चाहता, उसने जो बेइज्जती की थी वो भूली नहीं मैं अब तक। मेरी प्यारी अम्मी, प्लीज आप सारी पुरानी बातें भूल जाना। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताएं कि आपने अंजुम के लिए लड़की देखी कौन सी है? वही तो देख रही हूँ। अब तू सोच लिया कि ऐसी जाहिल बहू लाऊं जो मेरी उंगलियों पर नाच सके? बिल्कुल ठीक अम्मी, वैसे भी ये जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती है ना, ये बिल्कुल ही बेलगाम होती है। बिजी तो नहीं आप? नहीं, ये जर्नल लेटर्स पढ़ के तो मेरे सर में दर्द हो गया है। तुम कैसे ये बोरिंग जर्नल लेटर्स को पढ़ लेते हो? बस यूं समझे कि मुझे सरदर्द वाले काम करना अच्छा लगता है। एनीहाउ, आपने लंच कर लिया? नहीं, क्यों? नहीं बस मैं सोच रहा था कि आपको लंच की दावत ही दे दूं। श्योर, लेकिन क्यों? ऐसे ही, कल आपने कॉफी पिलाई तो मैंने सोचा कि आई शुड रिटर्न द फेवर। अगर ये बात है तो जरूर चलते हैं, अभी चल रहा है। जैसा आप कहें। लेट्स गो। वैसे अंजू, अब हम दोनों फ्रेंड्स हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप जनाब कहना अच्छा नहीं लगता ना। ओके, चलें। अंजुम, मॉम क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज मैं तुम्हारे साथ बाइक पे जाऊंगा। क्या क्या मतलब क्या, पहले कभी तुम्हारे साथ बाइक पे नहीं बैठी क्या? नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर ये ऑफिस की पार्किंग अगर किसी ने देख लिया तो। सोचने दो, जिसे भी जो भी सोचना है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं वो ही करती हूँ जो मेरा दिल करता है। कैसे बैठूं, आगे हो थोड़ा सा? ये थैंक यू। जी कामिल, क्या कर रही हो? किचन में बर्तन धो रही हूँ। अच्छा, तो फाइनली घर के कामकाज में दिल लग गया तुम्हारा। अच्छा सुने, आपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली? हाँ बात हुई है, वेडनेसडे की अपॉइंटमेंट है, साथ ही चलेंगे। ठीक है, आप खुश तो है ना? नहीं, लेकिन जब तुम खुशखबरी सुनाओगे तब खुश होगा। फोन रखता हूँ, अल्लाह हाफिज। भाभी, क्या हो गया जोया? भाभी मेरा रिजल्ट आ गया है, मैं पास हो गई हूं, फाइनली ग्रेजुएट। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच भाभी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। और पता है, अभी ही मैंने रिजल्ट चेक किया था और मैं बहुत खुश हूँ। अरे क्या हो गया, कौन सी खुशी आ गई घर में? आंटी माशाल्लाह से हमारी जोया ग्रेजुएट हो गई है। जीती रहो मेरे बच्चे, मुबारक हो। शुक्र है इतने दिनों बाद कोई खुशी की खबर सुनने को मिली घर में, वरना तुम मेरे कान तरस गए खुशखबरी सुनने को। अम्मी ऐसी फीकी मुबारकबाद नहीं चलेगी, मिठाई मंगवाएं। हाँ हाँ, कामिल को फोन करके मंगवाती हूँ मिठाई। वैसे अम्मी मैं पास भी हो गई हूँ, तो अब नया फोन भी दिला देना प्लीज। बकवास मत करो, कोई फोन वोन नहीं मिलेगा, पढ़ाई खत्म होगी अब घरदारी सीखना शुरू करो। भाभी आप ही कामिल भाई से सिफारिश करके नया फोन दिलवा दें,
फ्रेंड से भी सही तरीके से बात नहीं होती है, और आपको पता है आज रिजल्ट मालूम करने में कितनी मुश्किल हुई है मुझे। प्लीज कुछ कर दें। तुम्हारा फोन मेरी वजह से टूटा था ना, अगर इस खुशखबरी में मैं तुम्हें नया फोन दिला दूं तो। थैंक यू सो मच भाभी, आई लव यू। अच्छा ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से काम खत्म करो फिर मोबाइल लेने चलते हैं। लेकिन भाभी कामिल भाई को अम्मी को ना बताइएगा प्लीज। बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्या हो गया है? ठीक है। गॉड तुम कितने फनी हो ना, कितना हंसाते हो। ऐसा ही हूं मैं, मुस्कुराहटें और खुशियां बकेने में यकीन रखता हूं, एक्सट्रीमली लविंग एंड केयरिंग। इतने अरसे में इतना तो जान ही चुकी हूं तुम्हें, तुम उलझनों का शिकार नहीं होते बल्कि हर वक्त मुस्कुराते रहते हो। अगर आप चाहें तो आप भी अपनी जिंदगी सिंपल बना सकती हैं। अच्छा वो कैसे? ये जो जहर है ना, ये इंसान को माजी की यादें और फ्यूचर प्लानिंग में इतना फंसा देता है, इतना थका देता है कि इंसान हाल में जीना ही भूल जाता है। तो बेहतर यही है कि इंसान अपनी माजी की यादें और फ्यूचर की प्लानिंग की सोचों को भुलाने की कोशिश करे, इससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करे और जिंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय करे। बाकी खुदा की मर्जी से खुशियाँ और मोहब्बतें जिंदगी में आती रहेंगी। वाह कितनी गहरी बातें करते हो ना तुम, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें दोबारा से जानना पड़ेगा। प्लेजर ऑल माइन। एनीवेज बाइक की राइड कैसी लगी आपको? आई लव्ड इट। तुम्हें पता है मुझे बचपन से बाइक चलाने का शौक था, लेकिन पापा ने कभी मुझे साइकिल तक नहीं चलाने दी। तो अब क्यों नहीं सीख लेती आप? नो वे, तुम किस लिए हो? भाभी फोन के लिए। कोई बात नहीं, बस एक बात याद रखना, दुनिया की कोई भी चीज खुद से बुरी नहीं होती, जिसका ज्यादा इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। अच्छा मैं सोच रहा हूँ तो क्यों ना आने के भी लगे हाथों शॉपिंग कर लूँ। भाभी आप चलिए, मैं जरा अपने दोस्तों को फोन करती हूँ, पूछ तो लूँ कि कौन पास हुआ है कौन फेल। अच्छा ठीक है। क्या हो गया हानिया? अच्छा एक सेकेंड। मैम ऑफिस आ गई है? नहीं नहीं डोंट टेल हर, मैं खुद उससे बात कर लूंगी। ठीक है ओके बाय। मालूम था मुझे कि अंजुम के साथ कोई ना कोई मामला जरूर चल रहा है इसका। ये जो जहर है ना, इंसान को माजी की यादें और फ्यूचर प्लानिंग में इतना फंसा देता है कि इंसान हाल में जीना ही भूल जाता है। माजी की यादें और फ्यूचर की प्लानिंग की सोचों को भुलाने की कोशिश करे, इससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करे। हेलो अंजुम, मैं तुम्हें याद कर रही थी, बैठो। वो एक्चुअली मैं आपको ये बताने आया था कि कुछ देर में मैं घर जा रहा हूँ, अगर आपको कोई काम है तो बता दें मुझे। खैरियत? इतनी जल्दी? हाँ वो थोड़ी देर पहले अम्मी का फोन आया था, काफी दिनों से रिश्ता ढूंढ रही है मेरे लिए, बस उसी लिए। अब क्या करें, अम्मी है, इनकार तो नहीं कर सकता। तुमने पहले कभी नहीं बताया मुझे। मैं आपको कैसे बताता जब मुझे खुद कल सरप्राइज मिला है। सरप्राइज तो मैं भी बहुत हुई हूँ। खैर तुम जाओ, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। खैर आपने मुझे बताया नहीं कि आप मुझे याद क्यों कर रही थी। भूल गई मैं। अब एक मशवरा दूं, बादाम खाया करें, ताश मजबूत रहती है। एनीवेज आई लीव नाउ, बाय। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मेरी एक कॉल पर आ गए। अरे यहीं करीब तो है मेरा ऑफिस, और वैसे भी तुम मुझे कॉल करो, मैं ना हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। कांग्रेचुलेशंस, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के लिए भी और मोबाइल फोन के लिए भी। थैंक्स मोहसिन, भाभी ने दिलाया, अच्छा है ना।
ऐसे लगता है कि आजकल भाभी पे बहुत ज्यादा मस्का लगा रही हो तुम। ऐसा भी नहीं है, भाभी बहुत अच्छी है। बहुत लेट हो गई, मैं जा रही हूँ, भाभी ढूंढ रही होंगी। अरे रुको तो, मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आया हूँ यार, और तुम जा रही हो। प्लीज यार कुछ दे तो बैठो प्लीज। सही है, सिर्फ तुम्हारे कहने पे रुकी हूँ यहाँ पर। इट्स ओके मैम। चलो भाभी, मैंने कहा चलो चलो यहां से। भाभी थैंक यू सो मच, आपने अम्मी को मोहसिन के बारे में नहीं बताया, वरना वो मेरी खाल खींचती थी। तुम जानती हो कि मैंने झूठ क्यों बोला? झूठ मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए बोला, तुम्हें शह देने के लिए नहीं। और सिर्फ दोस्ती है या पसंद भी करती हो उसे? मैं और मोहसिन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। क्या करता है वो? बैंक में काम करता है, अच्छी फैमिली का है, कमाई भी अच्छी है, बस फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं है। शादी करना चाहता है? सीरियस है शादी के मामले में? है, सीरियस है। इनफैक्ट मेरे अलावा किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, बहुत मोहब्बत करता है मुझसे। मोहब्बत तो कर ली तुम दोनों ने, लेकिन जानती हो ना कि शादी तो आंटी ही करवाएंगे। हाँ, मगर भाभी अगर मोहसिन और मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगी। पागल हो, ऐसी बातें नहीं करते। पहले तो तुम मोहसिन से कहो कि रिश्ता भेजे यहाँ पे, और दूसरा ये कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं कामिल से बात करूंगी इस बार। कामिल भाई कहीं अम्मी को तो नहीं बता देंगे? नहीं बताएंगे, भरोसा रखो। और ये मोबाइल भी दो मुझे, आंटी वैसी मेरे बहुत खिलाफ है, मोबाइल दिख लिया तो फिर एक नया इल्जाम लग जाएगा मुझ पे। दो। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, जवाब दो मुझे। क्या सोच रही थी तुम? अंजुम जैसे लड़के के साथ बाइक पर आवारा गर्दी कर रही थी? For God's sakes, on a bike? ना तुम्हें खानदान की परवाह है, ना हमारी इज्जत का, और ना ही बिजनेस कम्युनिटी में अपने स्टेटस का। जहां मौका मिल जाए बाप का नाम सलील और रुस्वा करने में कसर नहीं छोड़ती। कुछ पूछ रही हूं तुमसे, जवाब दो मुझे। क्या ताल्लुक है तुम्हारा अंजुम से? तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है? मुझे उससे मोहब्बत हो गई है और आपको एहसास हो रहा है कि रोहान क्यों सबा की खातिर इस खानदान बिजनेस हर शय को छोड़कर चला गया था। और देखें, किस्मत ने आज मुझे उसकी जगह लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उसके पास उस वक्त सबा का साथ मौजूद था और मैं मोहब्बत में हार कर खाली हाथ खड़ी। पागल हो गई हो क्या? कह रही हो तुम? होश में आओ, तुम जहां चाहोगी मैं तुम्हारा रिश्ता कर दूंगी।
लेकिन अंजुम तुम्हारे लायक नहीं है, वो लड़का ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। नहीं माँ, वो तो बहुत अच्छा इंसान है, बस मैं ही उसके लायक नहीं हूं, वरना उसे मुझसे मोहब्बत ना हो जाती। वो तो अपनी माँ के कहने पर अपने लिए रिश्ते तलाश कर रहा है। मैं माहम हसन, जिसे अपने स्टेटस पर बहुत गुरूर था ना, वो उसे छोड़कर किसी और को तलाश कर रहा है। क्या मतलब? वो तुमसे मुबारक हो बा, आपका खानदान, इज्जत, पैसा, हर चीज मेरे हाथों बर्बाद होने से बच गई है माँ। वो मेरा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता वो मेरा। ये देखो मरियम नाम है इसका, नवी फेल, शक्ल सूरत बीची, खानदान बेचा है, फुल घरेलू लड़की। नवी फेल नहीं चाहिए हमें। अच्छा तो फिर ये देख लो, रशेमन, अच्छी लड़की है, छठी पास है, खानदान में गया गुजरा है, पैरों में पड़ी रहेगी और तुम्हारी जोड़ी इसके साथ अच्छी रहेगी। नशेमन अम्मी, ये भी कोई नाम हुआ? क्या हो गया आपको? रात से अनपढ़ लड़कियों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं आप मुझे, कोई छठी पास है, कोई नवी फेल है। आप मेरा रिश्ता करना चाह रही हैं, मुझसे जान छुड़ाना चाह रही हैं अम्मी। तो क्या परी आसमान से उतार कर लाऊं तुम्हारे लिए? पढ़ी लिखी लाकर देख ली मैंने, जी ठंडा हो गया मेरा। हाँ अम्मी, सच पूछे मुझे इनमें से किसी से शादी नहीं करनी, वो तो मैं बस आपका दिल रखने के लिए तस्वीरें देख रहा हूँ। क्यों नहीं करनी शादी? क्योंकि मुझे ऑलरेडी कोई और पसंद है। कौन है वो? है एक लड़की अम्मी, और आप मिल भी चुके हैं उससे। भाई और भाभी की मेहंदी में आई थी, माहम हसन। हाँ? क्या माहम, रोहान की बहन की बात कर रहे हो? जी भाभी, लेकिन मैंने प्रपोज नहीं किया अभी तक। अम्मी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, आते हैं थोड़ी देर। आओ। अच्छा रुस्तम, तुमसे तो आके मैं बात करूंगी। अल्लाह हाफिज अम्मी। क्या हुआ, कोई परेशानी की बात तो नहीं? पता नहीं, देखे रिपोर्ट्स में क्या आता है। मिसेस कामिल, आपकी शादी को 6 महीने हो गए। जी क्या हुआ डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी हाँ, कुछ इनके टेस्ट है वो ठीक नहीं आए, कुछ कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर हैं। प्लीज आप खुलकर बताएं क्या बात है। देखिए आसान लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि आप माँ नहीं बन सकते। आप क्या कह रही हैं? जी हाँ बिल्कुल, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था, आपको सच्चाई बताना था। अजीब बात कर रही हैं आप, परेशान करके कह रही हैं, परेशान करना मकसद नहीं था आपका। कमल, लगता है आपके हस्बैंड काफी जज्बाती हैं। सॉरी, उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, एक्चुअली हम ये खबर एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। मैं समझ सकती हूँ, बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब तक कॉम्प्लिकेशंस आपकी दूर नहीं होंगी आप कंसीव नहीं कर पाएंगी। ये कुछ टेस्ट और करवा लें और मेडिसिंस खाती रहें। कामिल, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अगर एक प्रॉब्लम सामने आई गई है तो वो सॉल्व भी हो जाएगी, और वैसे भी कमी आप में नहीं मुझ में है। मैं हॉस्पिटल इसलिए नहीं गया था कि तुम्हारे मां ना बनने की मनहूस खबर सुनूं।
अगर वो डॉक्टर मसला सॉल्व नहीं कर सकती ना तो और भी डॉक्टर हैं दुनिया में, कोई जरूरत नहीं उसके पास वापस जाने के लिए। ठीक है हम किसी और डॉक्टर के पास चले जाएंगे, लेकिन कम से कम इस तरह परेशान तो ना हो। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। आप मायूस ना हो प्लीज। अच्छा सुनो, मम्मी को ये बात ना बताना। इसीलिए तो कहती हूँ अपनी औलाद पैदा करो, ताकि रूनी का दिलो दिमाग इन्हीं बच्चों में लगा रहे। देखिए आसान लफ्जों में ये कहा जा सकता है कि आप मां नहीं बन सकते।